बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया अल्लाह तबारक वाली ने इस दुनिया में खालिक और मखलूक का रिश्ता दो पहलुओं से तय कर रखा है गोया कि दुनिया में बंदर और खुदा का जो रिश्ता है आपस में जो ताल्लुक है उसके दो पहलू हैं एक इबादत का पहलू है और दूसरा नुसरत का पहलू है या यूं कहें कि एक इबादत का पहलू है और दूसरा इस्तियानत का पहलू है तो गोया कि इबादत और इस्तियानत इन दो पहलुओं के साथ बंदा और ख़ुदा का दुनिया में रिश्ता क़ायम रहता है तो गोया कि इबादत बंदे की तरफ़ से होती है और नुसरत और इस्तीत अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से होती है जब इबादत और नुसरत दोनों कायम रहते हैं तो मोमिन सादिक दुनिया के अंदर जन्नत का मज़ा लूट लेता है इसलिए कि इबादत और नुसरत ये मोमिन सादिक की ज़िंदगी की रेलगाड़ी की दो पटड़ियाँ हैं इन पटड़ियों के ऊपर इसकी ज़िंदगी की रेलगाड़ी चलती है एक पटरी का नाम इबादत है और दूसरी पटरी का नाम जो है वो नुसरत और इस्तियानत है दोनों की दोनों जब ये कायम रहती हैं तो मोमिन सादी को दुनिया के अंदर जीने का लुफ़ आ जाता है गोया के अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में ही उसको जन्नत का मज़ा अता फरमा देते हैं लेकिन अगर इबादत हो नुसरत ना हो तो ये मुजाह और रियाजत है इस बंदे पर गोया के एक तरह की आज़माइश है उस मुजादा और रियाजत में भी अल्लाह तबारक व ताला उस आबिद के दर्जा बुलंद करते रहते हैं और अगर नुसरत हो इस्तियानत अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हो लेकिन बंदे की तरफ से इबादत ना हो तो ये अल्लाह तबारक व ताल से महलत है गोहर की अल्लाह तबारक व तालील दे रखी है अल्लाह तबारक व ताला उसको मौका दे रखा है चाहे तो तौबा करके अपने असल मकाम की तरफ़ लौट आए और चाहिए इसी मोहलत की हालत के अंदर जब दुनिया से चला जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला के सामने उसके शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं है इसलिए मोमिन सादक दुनिया के अंदर इन दोनों पहलुओं को ले कर चलता है एक इबादत के पहलु को ले कर चलता है यानि ये बंदा अल्लाह तबारक व ताली इबादत में लगा रहता है और आप जानते हैं कि इबादत ही इस बंदे की तखलीक का मकसद है ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताली ने इस बंदे की तख्लीक का मकसद वाज़ कर दिया कि वमा खलक वलिनबून कि मैंने जिनों और इंसानों की तख्लीक सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए की है तो गोया के मोमिन सादि इस हकीक़त को समझ आता है कि मेरी का मकसद और मतम नज़री अल्लाह तबारक व की इबादत है लिहाजा वो किसी भी लमह अल्लाह तबारक व इबादत से शर मुन राफ़ नहीं करता बल्कि अल्लाह तबारक व इबादत में लगा रहता है और नुसरत ज़ाहिर की नुसरत अल्लाह तबारक व तरफ से आती है बंदे पर जब नुसरत उतरती है उस नुसरत के ज़रिए से बंदा ख़ुद अपने और अपने जैसी मखलूक़ के हक़ को अदा करता है गोया कि अपने हकूक भी पूरे करता है और अपने जैसी मखलूक के हकूक भी पूरे करता है उस नुसरत और इस्तियानत की वजह से जो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इस पर उतरती है तो मालूम हुआ कि दो ही हक हैं एक अल्लाह तबारक व ताला का हक है एक अल्लाह तबारक व ताला के बंदों का हक है इबादत के ज़रिए से अल्लाह तबारक व ताल के हक़ को पूरा करता है और इस्तियानत के ज़रिए से अल्लाह तबारक व ताल की मखलूक के हक़ को पूरा करता है तो हक़ूक इबाद और हकूक़ुल्ला ये दोनों के दोनों हक़ लेकर जब ये मोमिन सादिक चलता है तो र है कि अल्लाह तबारक व ताल में इसकी कीमत बढ़ जाती है इसका एक सांस सांस अल्लाह तबारक व वताल इबादत और इतात में लिख देता है मखलूक की मदद इस्तीनत के लिए कदम उठाता है तो अल्लाह तबारक व ताल उसके एक ही कदम पर अजर अता फ़रमाते हैं यहाँ तक कि बस अवत किसी बंदे की मदद के लिए इंसान जब उठता है तो अल्लाह तबारक वालस को दस साल के एतकाफ़ का सबाब अता फ़रमा देते हैं तो गोया के बंदे की बंदे की नुसरत करना ये कोई मामूली बात नहीं है बहुत बड़ी इबादत है गो कि अल्लाह तबारक वाल दस साल की ये अहतक उसके नामा अमाल में लिख देते हैं कि ये बंदा अपने जैसे कमज़ोर बंदे की मदद के लिए एक जगह से उठकर दूसरी जगह गया है इस पर अल्लाह तबारक व ताल उसको अजरता फ़रमा देते हैं